हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। आज मैं कोडरमा और झुमरी तिलैया गोमो के क्षेत्र का थोड़ा दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ काम से कोडरमा आया था। तो जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि झुमरी तिलैया का राजकुमार, तो आज मैं झुमरी तिलैया ही आ गया हूँ। आज दिखाते हैं झुमरी तिलैया, कोडरमा और गोमो के आसपास का दृश्य। ये कोडरमा जंक्शन का रेलवे स्टेशन का ब्रिज है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बस भी लगी हुई हैं, जो नवादा रांची बिहार शरीफ के लिए बस है, लेकिन मैं इधर देवघर का बस पता करने के लिए आया हूँ। देखता हूँ कि देवघर का बस इधर मिल रहा है या नहीं। फिर इधर तो होटल्स वगैरह सभी हैं, जस्ट रेलवे स्टेशन के एकदम जस्ट रोड के इस साइड उस साइड ही काफ़ी सारी दुकान और होटल्स वगैरह बहुत सारी हैं, जो कि यात्रियों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था आसपास में है। मैं तो कल ही यहाँ पे आया था, लेकिन इधर ही होटल लेके रुका हूँ और अभी रूम से सिर्फ बाहर आया हूँ। सारा सामान तो मेरा रूम में ही होगा, तो इधर का मैं दृश्य दिखाने के लिए आप लोगों को आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, जो कि ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। देख सकते हैं, बड़े बड़े से होटल हैं। होटल अमृत, होटल सुदामा और होटल GS Inn, होटल खुशी, बहुत सारे हैं, होटल एक्सेलेंट। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट तरफ चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोडरमा ही है, लेकिन ये थोड़ा तिलैया साइड में, झुमरी तिलैया साइड में। और मुझे सुबह का कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसलिए मैं एक दुकान आया हूँ सामान अपना लेना। थैंक यू भैया। ये कोडरमा जंक्शन का रेलवे स्टेशन है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है। इसमें 7 या 8 प्लेटफॉर्म है, देख सकते हैं बहुत ही बड़ा स्टेशन है। इससे रात में मैं उतरा तो उतना बड़ा पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी बड़े स्टेशन है। जैसे कि मैं सुबह से कोडरमा का दृश्य दिखा रहा था, अभी कोडरमा बस स्टैंड में आ गया हूँ। कुछ अपना एग्ज़ाम के सिलसिले में आया था, अभी कोडरमा बस स्टैंड में। यहाँ पे देवघर का बस है जो सामने लगी हुई है, और कई जगह के यहाँ से नवादा, जरिया, पटना, रांची, धनबाद हर जगह का है, लेकिन गोड्डा के लिए नहीं मिल रहा है। तो मुझे देवघर जाना होगा, फिर देवघर से मैं यहाँ से बस लूँगा आगे के लिए। ये हमारी देवघर की बस लगी हुई है, ये बस, ये 1 बजे है, 1 PM पे। अभी फ़िलहाल 12:30 के आसपास हो रहा है, 12:30 हो रहा है, तो बीच में भूख तो लगी गया है। खाना यहाँ पे एक होटल है, खाना खा लेते हैं। ये जो होटल है सामने, वहाँ पे खाना खाते हैं, फिर निकलेंगे 1 बजे तक टाइम जो हो जाएगा। यहाँ से सामने से जो ये रोड गई है, इसमें से वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है दूरी पे, वहाँ से लिखा हुआ है इसी रूट में देवघर जाना है, और देवघर यहाँ से लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करना होगा। हमारी बस के समय लगभग हो चुकी है, बस यहाँ पे लगी हुई है, टिकट मैं ले चुका हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से। ठीक है, चलते हैं और आप लोग देखते हैं इस कोडरमा का दृश्य को। अच्छा ही है, थोड़ा डेवलप एरिया है। घूमते एक मॉल पे आए, आई इंडिया फैमिली मार्ट। तो यहाँ पे एक कुछ कपड़ा लेना था, ले चुके, अंदर गए थे, जो अभी अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, और लेके निकल चुके। बस का भी मेरा टाइम हो चुका है, निकलेंगे अब। ठीक है, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे।